पहचान गए आप लोग जबरदस्त, मतलब कैसे पहचाने, बाल से पहचाने हो? वाह यार जबरदस्त, मतलब टेक तो व्लॉग एंजॉय करते हो ना, वहाँ एंजॉय करो व्लॉग एंजॉय करो, मतलब आप कराची के रोड पर ट्रैवल करो और आपकी लड़ाई ना हो, ऐसा हो सकता है? और वो भी बाइक पर हम खाएंगे मुश्का क्योंकि पूरा कराची हो गया मुश्का। सो गाइस यहाँ पर आया हुआ था मैं किमाड़ी राशिद सी फूड। आबे भाई आजा तू आजा, अल्लाह माफ करे, मैं किमाड़ी आया था राशिद सी फूड। ये सारे भाई मिल जो मिल गए, 1 2 3 4 5 6 तुम खैरियत से होंगे। तो भाई वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा कि किस चीज का ब्लॉग है। तो हम आज जा रहे हैं राशिद सी फूड, लेकिन हम अपनी गाड़ियों पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाइक पर। और बाइक की टंकी में पेट्रोल डलवाया जा रहा है और एक बाइक हमारी पीछे है, फिर इंतजार कर रही है। रेडी है? मुंह से ये बोल नहीं सकते, उसका एक राज है, वो मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम राशिद सी फूड। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहे, बस हम लोग सब जा रहे हैं। नातिक भाई का वेट हो रहा है, मुर्तजा हमारे एक बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं पंजाब से, उन्होंने बोला कि भाई बाइक पर सफर करना है, गाड़ी पर सफर नहीं करना क्योंकि उनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है। एक बाइक रेडी है, एक बाइक आ रही है, मुर्तजा पेट्रोल डलवा रहा है, उससे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सो फाइनली मुर्तजा हमारे पास आ गए। तो आप बाइक पर क्यों जा रहे हैं? ये तो इतना शर्मा रहे हैं जैसे मैं इनसे निकाह का पूछ रहा हूँ। आप बाइक पर क्यों जा रहे हैं? पीस कान है मैं आपके ऊपर ना बहुत बहुत मीम्स लगाऊंगा। नहीं मतलब बाइक का सफर क्यों चुना आपने? अच्छा क्यों लगता है? हम गाड़ी में ले जा रहे थे आपको। तो भाई ये मुर्तजा है, मुर्तजा हसन हमारे ये मुर्शिद है, हम इनके मुरीद हैं। तो चले आज आपको बहुत मजा आने वाला है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आज हम लोग राशिद सी फूड जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी में नहीं बाइक पर। फोन आ रहा है और मैं आ चुका हूँ, आई एम हियर। नंबर वो करो, पब्लिक कॉल करने लग जाएगी मुझे। अच्छा वैसे मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बाइक पर सफर करना थोड़ा सा मुश्किल है इस सिचुएशन में कराची पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चले जाते हैं। कार का बहुत सफर कर लिया, पूरा दिन आज ड्यूटी पर थे तो पूरा दिन काम किया, थक गए थे, हमने बोला बाइक पे थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह मालिक है, जो होगा दिखाएंगे आपको। गाड़ी पर ना जाने की ट्रैफिक। और ये जो बग्गी आप देख रहे हैं, ये बग्गी जो आप देख रहे हैं, ये स्पेशली मुर्शिद की शादी के लिए तैयार करवाई जाएगी। नातिक खान की तो हो गई, मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दी, अब मुर्शिद की शादी है, लेकिन है किससे ये नहीं बताऊंगा मैं, ऐसी बातें बताई नहीं जाती। नजर लग जाती है और घोड़े जब हमने छुपा के रखे घोड़े भी दिखाने। बाइक का आपको सबसे अच्छा फायदा मैं ये बता दूं, आप मिनटों और सेकंडों में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अभी मैं आपको विजिट करवाता हूँ कराची की सबसे फेमस और खूबसूरत मस्जिद, जैसे इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद है, ऐसे हमारे कराची में एक मस्जिद है मेमन मस्जिद। मैं अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको उसका मीनार विजिट करा दे। एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, मतलब यहाँ पर तमाम नाथों की शूट्स होती हैं, उनकी वीडियो शूट्स यही होती है इस मस्जिद में। अंदर से इस मस्जिद का एनवायरनमेंट बहुत हसीन है माशाल्लाह। क्या कहते हो उधर में, यही है? नो डाउट यार, मतलब अगर मस्जिद आपने विजिट करनी कराची में रहते हुए तो यहाँ आए, आपको मजा आएगा। और सबसे बड़ी खसूसियत जो ये है, यहाँ पे आपको वजू खाने के अलावा भी यहाँ पे एक मॉल मिले बना हुआ है, जो कि बिल्कुल वो एक बड़ी यूनिक चीज़ है स्पेशली नई जनरेशन के लिए। वो मैंने देखा है। कभी मौका लगे तो आप यहाँ आके नमाज जरूर अदा करें। नमाज मतलब मुझे वो फील आ रही थी, आई थिंक अगले भी शादी का वक्त है जब मैं यहाँ पे ना कपड़े में आया था भैया के साथ, तो मैंने नमाज पढ़ी, मतलब नॉर्मल डेज थे, रमजान नहीं थे, इतना रश था, कैसा लग रहा था कि रमजान हो रहा है आम मस्जिदों में। सुभान अल्लाह। और इस रोड्स के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं, ये रोड टैंकर्स का रोड है, ये टैंकर्स माफिया जो यहाँ पर बादशाह है, ये लोग मतलब
तब इनसे आप नहीं जीत सकते। इनकी ड्राइविंग के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेबस और लाचार हैं। और मैं आपको एक और चीज दिखाता चलूं इसी ब्लॉग के तवस्सुत से, ये आप जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं नेटी जेटी का पुल। ये पुल हिलता है इस तरह, यूं हिलता है, मतलब जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं ना उसको नेटी जेटी के पुल पे लाकर ना अंदर पानी में फेंक दो। ये शिप देखें आप, ये मेरे दादा ने बनाई थी, नूरदीन ने, इंडिया से थी, यहाँ आई अब दोबारा। ये शिप भी महाजिर है क्योंकि इसने हिजरत की है, पहले इंडिया में थी अब पाकिस्तान आई है। और ये मैंग्रोव दिखाए, ये मैंग्रोव है, ये यासिन अंकल ने बनाया है, ठीक है, झूठ सही है। बाइक पर आए हैं इसलिए हम लोग को रास्ता खुला हुआ मिल रहा है, वरना अगर गाड़ी में आते तो बहुत परेशानी होती बॉस। हाँ भाई, पहचान गए आप लोग, जबरदस्त, मतलब कैसे पहचाने, बाल से पहचाने, वाह यार जबरदस्त, मतलब देखते हो व्लॉग एंजॉय करते हो ना, मैं एंजॉय करो व्लॉग एंजॉय करो, ये है यहाँ में मैं बोलता हूँ, तो इज्जत मनता शायद अल्लाह ने नवाजा हुआ है, जबरदस्त जबरदस्त यार। सर हम अकेले तो नहीं आते, मुर्शिद भी तो आए थे नाते पर, मुर्शिद तो गए, ये तो वाली बात हो गई, मुर्शिद मुर्शिद किधर गया, मुर्शिद हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, मुर्शिद मुर्शिद किधर गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। सो जब आप इतना तवील सफर करके आए बाइक पर और राशि सी फूड आपको दिखे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, फिर दिखाता हूँ मैं आपको, तो फिर दिखाता हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैंने बोला राशि सी फूड हमसे बड़ा नाम है भाई की, लेकिन राशिद भाई की भी अपनी क्लास है। अरे राशिद साहब सुना है मैंने, बंगाली है साला, हम आज पानी नहीं देगा, हम आपको मस्सी खिलाएगा, हम आपको मोसी चावल खिलाएगा, हम आपको मोसी चावल के साथ बाथरूम भी लेकर जाएगा, हम बाथरूम क्यों जाएगा, बाथरूम। और ये जो सफर है ना W11 के बीच से जो रास्ता निकलता है उसको जाते हैं, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सनर आसिफ कुरैशी, वन एंड ओनली, कैसे आप, मैंने आपको पीछे से देख लिया, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, कैसे आप लोग, ठीक है मानो भाई, आप भी गले मिले, आगे खुर्रम को मैंने देख लिया था, कैसे हैं, मैंने परफ्यूम दिया आपने गायब कर दिया, गायब हो गया, चलो चलो। सो गाइस काफी देर सफर करने के बाद बाइक पर हम लोग राशि सी फूड पहुंच गए, यहाँ ऐसा लगता है मुझे आकर के भाई यहाँ तो फ्री राशि फूड, राशि सी फूड भाई देते हैं, मतलब सी फूड यहाँ पे फ्री मिलता है। रश देखें आप, हफ्ता हो इतवार हो पीर हो मंगल हो, यहाँ रश कम होने का नाम नहीं लेता है बॉस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा सर आज राशिद पे आ जाए, मतलब ये आप खुद आए या आपको कोई लेकर आए, क्योंकि खुर्रम भाई तो बहुत बड़े बैट्समैन है, मानो भाई का तो पेट थोड़ा सा दिल कर रहा था, ये तो यार कुछ नहीं, चलो चलो आप आए तो फिर पसंद करें, आपकी पसंद से ही खाएंगे हम। यार मानो भाई सच बताऊं आपको, बहुत प्यारे आ रहे हो माशाल्लाह से, कुछ बोलो कुछ बोलो, प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे, रिश्ते के लिए डाल दूं भाई, नहीं नहीं शादी हो गई, शादी हो गई, शादी क्या करवाना है, ये सुरमई हो जाएगी ना फ्राइड, हाँ बिल्कुल सुरमई करवाते हैं। मुर्शिद आप बताएं, आप बताएं, आपकी वजह से आए हम यहाँ, व्हाइट पापलेट, कौन सी पापलेट यार, व्हाइट पापलेट झींगे वो बहुत होंगे, कांटे नहीं, नहीं कांटे तो हमें लेने नहीं है, फिर सोलो नहीं करेगा कौन, हमारा कोटा हम नहीं लेगा कोटा। ये जो है ना इसको फ्राइड करवाते हैं इसको, और अभी पहली बार देख रहा हूँ मैं, कैसा होता है इसका टेस्ट, अच्छा मुर्शिद तो ऐसा मुंह बना रहे जैसे हो गया तुझे, फिश फिश इंग्लिश में खाऊंगा, फिश फिश हम खाएंगे मुश्का, क्योंकि पूरा कराची हो गया खुशका। मुर्शिद हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, मुर्शिद मुर्शिद किधर गया, वो मुर्शिद किधर गया, कितनी थी वो जो आपने उठाई है, कितने की, एक किलो 2500 है भाई, सुरमई ले रहा हूँ, पिंक थोड़ी है, पिंक की वैल्यू होती है यार, दिखाना दंदिया का, मतलब दंदिया में कांटे होते हैं क्या, और सुरमई, और सुरमई में दंदिया कर दो, एक किलो दंदिया हो जाएगी, ठीक है दंदिया को कर देंगे हम ग्रिल, ओके, और मुश्का को कर देंगे फ्राई, और उसके बाद हम हो जाएंगे मुश्का, मुश्का वर्सेस खुशका, कहाँ बिठाएंगे आप हमें मुर्शिद, हम आपको जेंट्स हॉल के नीचे बिठाएंगे, आपको कौन से जेंट्स हॉल, जेंट्स हॉल आपके साथ जो बंदे आए हुए हैं वो भी हमारे ही हैं आपके साथ, चले फिर आप हमारे साथ, क्या बात है यार आसिफ भाई, जब मैंने आपको पीछे से आवाज दी तो क्या क्या मतलब आवाज पहचान गए थे मेरी, मैं एकदम मैंने कहा यार यहाँ कौन आ गया अचानक, मैंने खुर्रम आगा को देख लिया था, उसके बाद मैंने आपकी गेयर वाली सलवार देख ली थी, अच्छा शॉक्ड हुआ आप एकदम, मैंने अच्छा मैं एकदम शॉक, मैंने बोला यार ये पीछे से कौन आ गया अचानक ना, छापा देखा तो फिर हमारा छोटा भाई, आर्मी इसी तरह ही आती है, अच्छा। सो गाइस तवील इंतजार के बाद ये किस किस का आइटम है, जबरदस्त, ये सब एक जैसे ही आए,
और हमारा और भी तो ऑर्डर और भी ऑर्डर होगा हमारा यार, हम एक साथ ही, हम एक ही यूनिट है बॉस, जल्दी ले आओ, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। यार सब कुछ आ गया, बस ठीक है। हाँ जी भाई, ये किस किस का आइटम है, मतलब ये क्यों पूछा जा रहा है कि किस किस का है? अब तो आ गया है, जिसका है खा जाओ। तीसरे में तुम, चौथे में गुम, तीसरे में तुम। सो भाई आइटम तो सब आ गया था, सबसे पहले तो मैं टेस्ट करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कैसा है। आज भाई आप बताएं पहले। जबरदस्त, अब मैं करता हूँ। यार बहुत जबरदस्त, ये प्रॉन में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ भाई, बहुत जबरदस्त यार। मुर्शिद बनवाने थे प्रॉन, तुम्हें पता अब क्या बनवा लो, अब तो आ गए। ओके ओके चलो अब चुपचाप खाते हैं। बदतमीज़ है, बदतमीज़ है दिल यार, बहुत जबरदस्त है। नजर मत लगाना, मछली तो खाकर मैं फ्री हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और एंटीक चीज आई है, क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी है, खाने के बाद ढीला छोड़ के खाना पड़ता है। क्या मुँह ढीला छोड़ के खाना, बिल्कुल ढीला छोड़ो, जा रहे हैं आप? ये अच्छा हुआ आपसे मुलाकात भी हो गई, आप भी शिकायत करते ना कि व्लॉग में नहीं लेता। सो गाइस यहाँ पर आया हुआ था मैं किमाड़ी राशि सी फूड। आबे भाई आजा, तू आजा, अल्लाह माफ करे, मैं ले रहा हूँ ना, तो किमाड़ी आया था राशि सी फूड। ये सारे भाई मिलजे मिल गए, 1 2 3 4 5 6 गुलाब जामुन तो बनते हैं यार, देना दो नहीं होते नहीं तो ये तीन कितने के, तो तीन देते हैं आप, हम आपसे तीन लेंगे। खुश हैं आप? ये आपकी मुस्कुराहट पे मैं कुर्बान हूँ, आई लव यू। तो गाइस खाना भी खा लिया था, मछली भी खा ली, सॉरी प्रॉन्स है ना, हाँ प्रॉन्स भी खा लिए, सब कुछ खा लिया। बहरहाल जो जो खाना था ना बला बला, वो सब कुछ खा लिया है। नाते खान मजा आया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आपको मजा आया, आपको मजा आया, क्या कह रहे हैं आप? भाई भाई हो रही है, मुझे लग रही है। अरे कराची में सर्दी आ नहीं रही है, हमारी मछली अपने घर की तरफ पहुँचने वाले, लेकिन हम उससे पहले पहुँचेंगे होटल पर, वहाँ पियेंगे हम चाय, क्योंकि चाय तो पीना लाजमी है। सो गाइस राशिद फूड गए थे, राशिद फूड से खाना वाना खाकर, मछली वगैरह खाकर, प्रॉन्स वगैरह खाकर, फाइनली हम आ गए चाय के होटल पे। यहाँ हमने चाय पीनी है, और चाय तो ज़रूरी है, तो आप चार कट लेकर आओ बेहतरीन वाले, बल्कि तीन लेके आओ, उनको एसीडीसी का मसला है, एसीडीसी का। सारी आउटिंग हो गई थी, खाना भी खा लिया, फिश भी खा ली, प्रॉन्स भी खा लिए, जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया, चाय भी पी ली। अब फाइनली रात के 3 बज रहे हैं, बहुत टाइम के बाद एक छुट्टी मिली थी, बहुत टाइम के बाद, तो हमने बोला उस छुट्टी को अवेल कर लिया चाय, तो हमने वो कर लिया। तो यहाँ पर ब्लॉग एंड होता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलें।